गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय, अमृतेन सिंह, कैसे हो आप सब लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे। और आप लोग का पेपर, जिन लोग का भी आज होगा एबीपीएस क्लर्क का, काफी अच्छा गया होगा। सबसे पहली बात, फर्स्ट शिफ्ट आई थी ऑलमोस्ट, लाइक जैसे पता है एक ट्रेडिशन है एबीपीएस का, पेपर ऑलमोस्ट एक इजी लेवल बन रहा था, तो वही देख रहा फर्स्ट शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में इसको कन्फर्म हो गया कि भाई पेपर इजी ही आ रहा है। हाँ, डाउटफुल ये है कि थोड़ा इंटरफेस का इश्यूज हुए, बट वो पहले से ही पता था कि क्योंकि कहीं ना कहीं आईबीपीएस का नोटिस भी इसलिए पोस्टपोन किया, आरआरबी के समान ही उनका इंटरफेस है। खैर, अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेकेंड शिफ्ट के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या लेवल था, और जिन लोग का अभी 18-19 को पेपर है या जिनका आज लास्ट शिफ्ट में, उन्हें क्या करना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखना, यदि पसंद आए तो उसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मेरे को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे कुछ थोड़े मिले हैं तो मैं उसको शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप नितिन का निरीक्षण, तो उसको ज्वाइन जरूर करना। सबसे पहली बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो मेरे तीन दोस्त जो महाराष्ट्र थे, उन्होंने अप्लाई किया, एक ने 85 किए, एक ने 79 किए और एक 89 करके अटेम्प्ट आया, तो काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट है उनके। सबसे पहले रीजनिंग बात करूँ तो एक बॉक्स बेस्ड पजल थी, 7 बॉक्सेस थे, कोई वेरिएबल और नहीं था, 5 क्वेश्चन उसके पूछे गए। उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन थे पैरेलल अरेंजमेंट, मतलब 5 टोटल 10 लोग हैं, 5 नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 5 साउथ फेस कर रहे हैं। उसके बाद आपके 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन स्लॉक के पूछे हैं, ओनली अ फ्यू के थे। 3 से 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन के पूछे गए हैं। उसके बाद आपका इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कि काफ़ी ऑलमोस्ट ईजी है ऐसा मैं बोलूँगा। उसके बाद आपके इनइक्वालिटी के अराउंड 3 क्वेश्चन देखने मिले। उसके बाद आपके 5 क्वेश्चन मिले आपको जो होती है ना पोस्ट बेस्ड, लाइक CFO या अपना MD, AGM, DGM वैसे वाले पोस्ट के 5 क्वेश्चन देखने मिले। 3 क्वेश्चन आपके थे अनसर्टेन पजल, जिसमें लोग जो है नॉट फेस कर रहे। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि इसका आंसर 25 है, आप मुझे कमेंट में कंफर्म करना कि 25 उसका आंसर है या नहीं। उसके बाद आपका अल्फा न्यूमरिक सीरीज आई है, जहाँ पे सिर्फ लेटर्स और नंबर को अरेंज किया गया है, वहाँ पे 5 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद एक ऐसा नंबर दिया होगा जहाँ पे ऑड में से आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है और इवन में आपको +1 करना है, तो उसका एक क्वेश्चन था। एक था आपका लेटर, मतलब वर्ड साइड वे, जिसमें आपको ढूंढना था कि कितने पेयर बन रहे हैं लेटर के फॉरवर्ड और बैकवर्ड से। उसके अलावा और तो कुछ नहीं पूछा, बस इतना ही आपका क्वेश्चन देखने को मिला। या आप लोग बताना कि आपका कितना अटेम्प्ट हुआ है रीजनिंग सेक्शन, मैथ सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन, आपका कौन सा स्टेट है। अब मैं बात करूँ कहीं ना कहीं इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश में आपको RC देखने मिला, जिसमें 8 क्वेश्चन थे, जिसमें परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में बात करी है कि वो छोड़ रहे हैं कंपनी को, जितना मुझे उन्होंने बताया, मैं वो बता पा रहा हूँ। उसके बाद उसमें एक सिनोनिम था क्वेश्चन, और उसके बाद आपका की का उन्होंने शायद सिनोनिम आपसे पूछा था कि की का सिनोनिम क्या है, शायद इम्पॉर्टेंट उसमें ऑप्शन होगा, आप लोग कंफर्म करना मुझे। एरर जो थे वो ओल्ड पैटर्न वाले एरर थे, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद आपका वर्ड स्वैपिंग के 5 क्वेश्चन आए हैं देखने को। पैरा जंबल भी इसमें पूछा गया, जिसपे मतलब जैसे वो नहीं होता क्या ओल्ड पैटर्न वाले, जिसमें मतलब एक पैराग्राफ दिया होता है ABCDE और उसमें बोलता है कि विच इज द थर्ड सेंटेंस, विच इज द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो वो शायद ओलंपिक कमिटी के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद आपका सिंगल फिलर्स पूछे गए हैं 4 से 5 क्वेश्चन, तो ऐसे मिलाते हुए 30 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। अब मैं बात करूँ कहीं ना कहीं रीजनिंग से मैथ सेक्शन की, तो मैथ सुबह में थोड़ा चेंज हुआ है, सेकेंड शिफ्ट में भी चेंज किए गए, डिफरेंस आया है DI के सेक्शन में। 10 क्वेश्चन अपने आए हैं सिंप्लीफिकेशन के, 5 क्वेश्चन मिसिंग सीरीज, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में रॉन्ग आया है, सेकेंड में मिसिंग आया, मतलब थर्ड में या तो रॉन्ग आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद आपका डेटा इंटरप्रिटेशन 2 पूछे गए, एक केसलेट आया है और एक नॉर्मल टेबल DI। नॉर्मल टेबल DI के अंदर क्या किया है, डेटा दिया है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास के, और वहाँ पे पेन, पेंसिल और इरेजर ये बच्चे यूज कर रहे हैं, तो एक बेसिकली टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ डेटा। उसके बाद एक केसलेट दिया था जहाँ पे 4 से 5 लाइन का मेरा दोस्त बता रहा था, बोलता भाई कि 3 विलेजेस हैं ABC, वहाँ पे मेल और फीमेल का हमें डेटा फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर चीजें निकालनी थी, बाकी का पूरा रेस्ट अरिथमेटिक का सेक्शन था। इन ऑल बात करूँ पेपर ईजी आया है, क्लैरिक था, मैं पहले ही बोल रहा हूँ जिन लोग का पेपर है शांत होके जाओ, टेंशन मत लो, पेपर
आपको इसमें ढूंढना नहीं है कि मेरे को ये अटेम्प्ट करना है या ये पेपर में, बस जाते बराबर बॉम्ब फोड़ना है, फोड़ते फोड़ते लास्ट तक बॉम्ब ही फोड़ना है और अपना बेस्ट दे के आना है। कमेंट डाउन करना पेपर कैसा गया, वीडियो का एनालिसिस अगर लगाओ कि एग्जैक्ट दिया है तो इसको जरूर लाइक करना, शेयर भी करना और चैनल पे नए सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग शिफ्ट स्टूडेंट्स एंड मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जय श्री राम, राम राम।